सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y15C डिवाइस के अंदर आप जो है हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर गाइस आपको भी फोन हीट हो रहा है तो आप इसको अपने फोन के अंदर एक सेटिंग्स होती है, आप उसको फॉलोअप करके आसानी से इस हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज इससे नॉर्मल हीटिंग सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ओवर हाई हीट नहीं होता तो आप उसको नॉर्मली अगर हीट होता है एक्सेस करने पे टास्क वगैरह तो उसमें उसका एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज अगर ओवर हीटिंग होता है तो मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह फॉलो कराऊंगा, आप उसको फॉलोअप करके आप उससे अपनी हीटिंग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेल गाइज, चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सी सेटिंग्स हैं गाइज, कैसे उसे इस्तेमाल करना हमें अपने डिवाइस के अंदर। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले ओपन करेंगे अपने आई मैनेजर एप्लीकेशन को। तो हमारे पास आई मैनेजर ऐप यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐप होता है, आपको सभी फोनों में देखने को आसानी से मिल जाता है। एक बार आई मैनेजर को ओपन करेंगे, होम इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखो आपको फोर ही स्टेप्स मिलते हैं यहाँ पर ऑप्शंस, जिसमें डाटा मैनेजमेंट वगैरह सेटिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। राइट साइड में यूटिलिटी टूल पे जाना है, जहां पर आपको फोन कूलिंग करके एक ऑप्शन है, इसको प्रेस कर देना है। अब आपका फोन जो है टेम्परेचर आपके फोन का चेक करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो टेम्परेचर इज नॉर्मल, बिकॉज हमारे फोन के अंदर बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे, इसलिए बैकग्राउंड वाले एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं शो कर रहे। अगर आपने कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस करा और बैकग्राउंड में रन कर रहे तो वहां पर भी दिखा देगा कितने एप्लीकेशन आर रनिंग में है। अब यहाँ पर देखो फोर कंपोनेंट्स आर रनिंग, चार कंपोनेंट्स है जिसमें सीपीयू, जीपीयू, बैटरी और स्क्रीन जैसी चीजें हैं। मुझे कूल डाउन का नीचे ऑप्शन मिला है, एक बार इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको एक मिनट के अंदर इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो नॉर्मल हीटिंग के लिए है, बिकॉज अगर ओवर हीटिंग करता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ मेथड फॉलो करा रहा हूँ, आप इसको फॉलो करना, डेफिनेटली ओवर हीटिंग को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहला चीज ये है कि अगर ओवर हीटिंग आ रही है अभी करंट सिचुएशन में तो, और कैमरा वगैरह एक्सेस कर रहे हैं, हैवी टास्किंग कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग देखने को मिले, तो मतलब आपके फोन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी करंट टाइम में समर का टाइम है, मीन्स की गर्मी है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है और सभी के फोन अभी हीट होते हैं। मैंने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फोनों को ट्राई करा है, उसमें भी हीटिंग देखने को मिल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको इसके लिए करना क्या है, नॉर्मल टास्किंग पे हीट नहीं करेगा, ध्यान देना, कैमरा एक्सेस करेंगे या फिर कोई हैवी टास्किंग करेंगे, जैसे कि अभी गेम खेल रहे हैं और या फिर आपने काफी टाइम तक गेम खेल लिया तो भी हीटिंग देखने को मिलती है। तो इससे सूरज में नहीं है कि आप उसमें ब्रेक देके करें यूज, ब्रेक मींस कि आपने 20 मिनट एक घंटा यूज करा या फिर आधे घंटे में ओवर हीटिंग आ रही है तो उसमें 5-10 मिनट का ब्रेक दे दें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से फिर से फोन नॉर्मल होता है, आप फिर से अगेन उसको वर्क कर सकते हैं उस पर। सेकेंड हमारे पास है रैम और स्टोरेज, इसको हमेशा एम्प्टी रखे रखें, जो स्टोरेज हमारी है ऑलमोस्ट 3 GB समथिंग हमेशा एम्प्टी करके रखें, क्योंकि जो हमारा फोन कूलिंग सिस्टम यहाँ पर यूज हुआ है उसमें रिसेंट एप्लीकेशन को भी डिलीट करता है, तो मतलब रैम भी अगर उसकी फुल है तो भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए रैम और स्टोरेज दोनों को कोशिश करें एम्प्टी रखें। जो एप्लीकेशन आपको 1-2 महीने में यूज करना है उसको डिलीट कर दे, और उसको जब यूज करना तो कर सकते हो, 10-20-50 MB की एप्लीकेशन होगी तो एक ही सिंगल टाइम जब यूज करना है तो उसको जब जरूरत हो तब उसको डाउनलोड करें, ताकि रैम जो है आपकी बची रहे, आपको इंटरनेट पे कोई एक्सेस ना हो कुछ भी ब्राउज करने में, तो ये चीज कर सकते हो। देन दूसरी चीज ये है कि आप जब रैम और रैम स्टोरेज दोनों को स्पेस देके रखेंगे तो आपका फोन जो है स्मूथली रन भी करता है गाइज, और हीटिंग तो वैसे भी देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मल टास्किंग पे, बिकॉज हैवी टास्किंग पे आपको आज के टाइम पे हीटिंग मिल जाती है। थर्ड हमारे पास है कि अगर आपने फोन को चार्जिंग पे कनेक्ट कराया तो 5-10 मिनट के अंदर ही अगर आपका फोन ओवर हीट हो गया तो ऐसे केस में ग्लिच और बग्स की वजह से ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो इससे मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना, उसमें एक रीस्टार्ट ऑप्शन होता है, ग्लिच और बग्स से ही ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसको प्रेस कर देना, डेफिनेटली जो अपनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। और मैंने इसको पर्सनल खुद ट्राई करा हुआ है, मेरे साथ भी हो गया था ऐसा, और रीस्टार्ट बटन ऐसा बटन है कि आप इससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, और कोई एप्लीकेशन नहीं है ना ही कोई भी सेटिंग्स है जिससे आप जो हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और अगर फोन आपका पानी वगैरह में गिर गया तो आप इसको सर्विस सेंटर लेके जाए, कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं है कि आप उसको फॉलोअप करेंगे तो ओवर हीटिंग बंद हो जाएगी। तो वीडियोज देखना बंद करो, टाइम वेस्ट करना बेकार है। मैंने जो चीजें आपको बता दी है मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें करा हुआ है, बहुत से कंपनियों को, मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपनियों को ट्राई करा, सब में हीटिंग अभी के डेट में देखने को मिलती है। सो आई थिंक गाइस समझे होंगे, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड कोई और कंफ्यूजिंग होती है हीटिंग प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।